Hello student, this is Alpha Learning Classes and class 8, 9, 10, 11, 12 के videos हम लोग यहाँ पे post करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो यार, ये totally free है। तो चलिए start करते हैं हमारा ये part। तो अब हम लोग देख रहे हैं second part का question number 6। देखिए 6 question number में क्या बोलता है कि the vertices of a triangle ABC are A, B, C, हम लोग को यहाँ पे coordinate भी दिए हुए हैं और यहाँ पे एक line है जो DE लाइन है जो ए बी को और ए सी को डी एंड ई पे कट करता है रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे एक और बात दी हुई है कि ए डी अपॉन ए बी दिया हुआ है हम लोग को 1/4। तो अगर ये ए बी 1/4 है, देखो ए बी अगर पूरा 4 है, ठीक है, ये वाला पूरा अगर 4 है और ये छोटा सा पार्ट अगर 1 है तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 3। समझ गया इस बात को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या बोलता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले तो ए डी ई को का एरिया फाइंड करने के लिए आपको डी एंड ई का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डी का कोऑर्डिनेट बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर डी, डी के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डी के लिए एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि 1 × 1 प्लस, और इधर क्या होगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 डेट इज 4, 12 + 1 13 अपॉन 4। वाई की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और यहाँ हो जाएगा 5 × 1 = 5 डिवाइडेड बाय अगेन 4, 18 और 4 कितना होता है, 18 और 5 कितना होता है, 23 अपॉन 4। कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको डी के। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैलकुलेशन फॉर ई पॉइंट, ई के लिए भी हम लोग एक्स निकालना चाहते हैं, रेशियो अगेन आपको पता है, तो चलिए एक्स निकालते हैं। एक्स के लिए क्या हो जाएगा कि 7 × 1 दैट इज 7, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 प्लस, और यहाँ पे आपको लिखना है 4 × 3 जो होता है 12 अपॉन 4, ये हो जाएगा 19 अपॉन 4 और y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6 × 3 = 18 और यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाय 4, 20 अपॉन 4 तो ये होगा 5। अब आपको क्या मिल गया है, d कोऑर्डिनेट मिल गया है, e मिल गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार हम लोग एरिया निकाल चुके हैं, ये आपको अभी समझ में आता होगा। और दूसरी जगह पे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको कैलकुलेट कर लेनी है। दोनों के लिए सारी बातें अवेलेबल हैं, आप जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे एंड आंसर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बोलता है कि आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर करना है मतलब आप इसको फाइनली क्या करोगे, आप निकाल लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे हम लोगों को देखो क्या बोलता है कि लेट ए दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, बी भी दिया हुआ है 6.5 एंड सी दिया हुआ है 1.4 बी द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। क्या बोलता है कि द मीडियन फ्रॉम ए, ए से हमें एक क्या करना है, मीडियन बनानी है एट डी, तो डी पे हमने एक मीडियन बना लिया। बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, आसान है, डी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर डी। अब देखो डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 1/2 कितना होता है, 7/2 और वाई कितना हो जाएगा, 5 + 4 / 2 ये होता है 9/2। एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, किसकी एक्स और किसकी वाई, डी की, पहला पार्ट ओवर। सेकेंड मैं यहां सॉल्व करता हूं। क्या बोलता है, फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू 2:1। तो ए क्या दिया हुआ है कि ए पी किधर है, ये पार्ट कितना है, 2:1, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं कि ये है अपने पास 2:2, this is 1, तो 2:1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ लिखता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर पी,
कैलकुलेशन फॉर पी, पी का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए पी कैसे मिलेगा। डी आपको मिल चुका है, डी भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो, 7/2 और यहाँ है 9/2। अब देखते हैं, तो हो जाएगा x के लिए अगर कर रहा हूँ तो 7/2 × 2 प्लस 4 × 1 कितना होगा 4, और 2 + 1 कितना होता है 3। ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ आता है 11/3 और y भी आएगा, y भी कैलकुलेट करते हैं तो 9/2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 1 जो कि होता है 2 डिवाइडेड बाई अगेन 3। ये कितना हो गया, ये हो गया 11/3। सो p का कैलकुलेशन हम लोग को क्या बोलता है, p कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल चुका है, यहाँ लिखता हूँ मैं, p हम लोग को मिला है 11/3 एंड 11/3 p मिल गया आपको। सेकेंड पार्ट भी ओवर, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या बोला हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली सच दैट BQ अपॉन QE इज इक्वल टू 2:1 एंड CR अपॉन RF इज इक्वल टू 2:1। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग करने वाले हैं, ये है अपना थर्ड पॉइंट। तो यहाँ भी अगर आप मार्क करो ना, तो मैं इसको दूसरे पेन से मार्क करता हूँ यहाँ पे कि ये भी जो है कौन सा FR और इधर क्या है CR, तो ये है 1 और यहाँ पे है (2). तो चलिए ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो आपको कैलकुलेशन किसके लिए करना पड़ेगा, F के लिए करना पड़ेगा, तो F का कैलकुलेशन आप यहाँ कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ F, F क्या है मिड पॉइंट है, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5, कैसे 6 + 4/2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। x और y मिल चुका है, अब आप क्या किसका कोऑर्डिनेट आप फाइंड करने वाले हैं r का, तो यहां लिखता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ r पॉइंट का कैलकुलेशन। तो r पॉइंट का कैलकुलेशन इससे पहले मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि f कितना हम लोग को मिल चुका है, ये हम लोग को मिला है 5, 7/2। फिर से सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो x की वैल्यू निकालते हैं 5 × 2, सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, अभी तक आप यहाँ पे सीख चुके होंगे ये सब बातें। और यहाँ क्या आता है 1 / 1 कैसे आया, तो 1 × 1 / क्या 3, तो 5 × 2 = 10 + 1 कितना हो गया 11/3। वाई भी आपको कितना मिलेगा देखो, तो वाई के लिए आप क्या करते हो 7/2 × 2 प्लस 7 वाली बात हो गई, अब किसकी बात, तो 4 की बात, तो ये हो गया 4 × 1 / यहाँ पे कितना 3, तो 2 और 2 कैंसिल, 7 और 4 कितना आता है 11/3। तो ये क्या हो गया, आपको R का भी कैलकुलेशन मिल चुका है। अब हम लोग थर्ड पार्ट का ही हम लोग को एक और चीज़ था कि हमें Q का भी कैलकुलेशन चाहिए। तो चलिए कैलकुलेशन फॉर Q के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, पहले E की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ई। ई क्या है, ई किसी का मिड पॉइंट है, बताइए किसका मिड पॉइंट है, ई है ए सी का मिड पॉइंट है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 + 1 = 5, यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि 4 + 1 = 5, 5/2 और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 = 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो ये कितना मिल गया आपको 5/2, 3 मिल चुका है। और अब क्या करने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन फॉर विच पॉइंट, क्यू पॉइंट। तो अब ये आखिरी कैलकुलेशन है, इसको भी सोच समझ के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी आपको सेक्शन फार्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स देखते हैं यहाँ पे कितना होता है, एक्स की वैल्यू होगी 6 × अगेन यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा 2:1। तो अब बताओ कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि 5/2
इंटू टू प्लस सिक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई कितना, थ्री। ये और ये कैंसिल, यहाँ आता है 11 अपॉन टू, और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू टू सिक्स, और 5 इंटू वन फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, ये भी कितना आता है 11 अपॉन टू। ठीक है, तो हमने सारे कैलकुलेशंस कर लिए। अब क्या बोलता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व हमने ये किया कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। R कितना मिला था हम लोग को, 11 अपॉन 3 कॉमा 11 अपॉन 3, और यहाँ पे आपको Q भी कितना मिला हुआ है, 11 बाई 3 और 11 बाई 3। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल द पॉइंट्स दैट इज P, Q, R coincide because their coordinates are same. ठीक है, और आपसे क्या बोला हुआ है कि फिफ्थ पॉइंट में कि अगर a की वैल्यू x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ये सब abc है corresponding, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आपको क्लास में करवाया हुआ होगा, ये आसान है, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट, और अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जो है क्लास, जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या बोलता है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस 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 एंड दिस। यहाँ पे मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से आप P निकाल लोगे, Q निकाल लोगे, R निकाल लोगे और S भी निकाल लोगे। उसके बाद क्या बोलता है कि क्या ये जो रेक्टेंगल बना है पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल नहीं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर अगर होता तो क्या होते, इसके डायगनल्स बेटा क्या होते, इक्वल होते, और ये डायगनल इक्वल हो सकता है, नहीं हो। तो इक्वल डायगनल आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इफ पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, एस क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो सकता है, मतलब रेक्टेंगल हो जाएगा अगर ये इक्वल है तो। इक्वल है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और क्या बोलता है कि क्या ये स्क्वायर हैं। अब स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि इसके चारों साइड इक्वल है। अगर ये सब पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं तो पी क्यू क्यू आर ये सब आप निकाल के बता दोगे। और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू अगर हो जाए, इज इक्वल टू एस आर हो जाए, इज इक्वल टू एस पी हो जाए, तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। पहले ये ऐसा हो जाए तो रेक्टेंगल हो गया। और रॉम्बस होने के लिए भी क्या चाहिए, रॉम्बस होने के लिए अगर ये अनइक्वल है, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट नहीं है और ये है, तो ये क्या है, रॉम्बस है। समझे आपको मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे पी एस पी आर लिखता हूँ, पी आर इज इक्वल टू एस क्यू आ गया, सॉरी पी आर इज इक्वल टू एस क्यू अगर नहीं आया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये पार्ट इक्वल आ रहा है, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया है रॉम्बस। ठीक है, तो लेंथी सा क्वेश्चन है, आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो यही है। सो चलिए आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए या फिर इसे रहने दें। सो यहाँ पे ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है। तो आई होप आपने पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा हुआ है। आप अपने सजेशंस, अपने सुझाव भी आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कहीं पे और सुधार होनी चाहिए, क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, या आपकी तरफ से कोई भी सुझाव अगर आपको लगता है तो आप हमें जरूर लिखें। थैंक यू।